भीड़ देख रहे हो, बहुत लंबी भीड़ है भाई। क्या मस्त है ना भाई, पहाड़ों की देखना कैसे कटाई हो रही है। व्यू देख रहे हो गाइस, क्या मस्त है। मनोकामना पूर्ण हुई है तो मैं यहाँ दोबारा आई हूँ, और ये दोबारा भी की है मैंने अपनी इसमें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, और अभी मैं बताऊं टाइम क्या हो रहा है। और हम लोग सब नहा धो के तैयार है, इधर नोनू, मैं, इधर आराध्या। हेलो कर दो आराध्या, गुड मॉर्निंग। नोनू गुड मॉर्निंग कर दो, गुड मॉर्निंग। पता है गाइस कितने बज रहे हैं, मैं दिखाती हूँ आपको, तो चार बज रहे हैं, चार। मैं सीधा कर देता हूँ, ये देखो गाइस सुबह के बज रहे हैं चार। लोग जा रहे हैं उत्तराखंड। तैयार हो गए, ध्यान रखना है, बाइक लगा रहे हैं, और अब गाड़ी गाड़ी है रेडी, चलते हैं। साइड रोड इस टाइम खाली, ये टाइम सही है निकलने के लिए, है ना। सवेरे सवेरे निकला, खाली बड़ा रहा था, क्योंकि यहाँ तो बहुत भीड़ रहती है। नानू सो जाओ अब, नहीं तो फ्रेंड्स इधर भरवा रहे हम लोग अब पेट्रोल, और फिर चलते हैं। सुबह सुबह अच्छा लग रहा है, और देखो गाने भी इतने मस्त आ रहे हैं एफएम में, बहुत अच्छे भगवान जी के गाने आ रहे हैं सुबह सुबह। इस सुबह के 4:30 हो रहे हैं, और सिटी भी दिल्ली का हार्ट इस समय थोड़ा शांत है, नहीं तो यहाँ तो भाई बहुत भीड़ होती है। गुड मॉर्निंग हो गई हमारी तो आज। गुड मॉर्निंग बाबू, गुड मॉर्निंग आराध्या। तो बस अब सुबह हो गई है, बाहर देखो क्या मस्त मौसम हो रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं अब पहाड़ों पे। तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं ना गोलू देवता टेंपल, जो कि नैनीताल से भी ऊपर, अल्मोड़ा से भी ऊपर है ना, अल्मोड़ा से भी। हाँ तो हम जा रहे हैं गोलू देवता टेम्पल, तो दिखाते हूँ आपको पहाड़ों का मस्त नज़ारे। तो इधर आप दिखने लगे चीड़ के पेड़, भाई साहब इतने मोड़ है ना यहाँ नैनीताल में, कर रहे हो गाड़ी में। अरे स्पीकर ही ये इतना गड्ढा है, स्पीकर ही उखड़ गया हमारा। अरे तभी से खटखट हो रहा था ये। वीडियो बना रही है, ए पार इधर थोड़ा पार रे, लोग यहाँ रुक के फोटो खिंचा रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं यहाँ पे। काफल ढाबा खाना कुछ सबने लिया, एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि हम नाश्ता करके नहीं आए, सुबह सुबह 4 बजे निकले थे, तो अब लग गई है भूख, 10 बज चुके हैं। मंगा रहे हो बाबू पराठे? नानू, नानू की तो हालत खस्ती हो गई है। आगे हमारा पराठा और दही, विद अचार, चटनी की और कमी है, चटनी आ जाए और नहीं खाएगा। अच्छा ठीक है, इन्होंने तो खा भी लिया। नानू सबके साथ है, एकदम मेरा आराधे का पनीर का वो भी को और मंगा, सारा खा लूंगा ये। खा लो, सारा खा लो ये। खा लो पनीर का, हम पहले पराठा खा लो फिर खाना। हमने यहाँ किया है नाश्ता, बाहर का व्यू मस्त, और अब चलते हैं फिर से
आते हैं यहाँ पे कैची धाम। ये कैची धाम मंदिर बहुत भीड़ है, देखो पूरा लाल दिखा रहा है मेरा आगे, ये देखो। तो चलो बाहर से ही करते कैची धाम दर्शन, भीड़ देख रहे हो गाइस। कैची धाम की अपनी ही बहुत बड़ी मान्यता है कि यहाँ पे तो फेसबुक के जो मालिक है और एप्पल कंपनी के जो मालिक है वो भी यही आकर यही यहाँ आने के बाद ही उनका देख लो बिजनेस आज क्या है, आज उन्हें सब लोग जानते हैं, मतलब इतनी मान्यता है कि इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पे अपनी श्रद्धा रखते हैं। भीड़ देख रहे हो, बहुत लंबी भीड़ है भाई। ये है कैची धाम के बाहर का व्यू, कैची धाम यहाँ से एंट्री और यहीं से भीड़ लगी हुई है। रास्ते देख रहे हो गाइस कितना खतरनाक है, तो गंदा वाला पुराना घर का इसे को। तो गाइस आपको व्यू कैसे लग रहे हैं, अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कर देना और कमेंट भी करना। क्या मस्त है ना, कैसा लग रहा है यहाँ ड्राइव करके? पागल हो गया मैं। नानू कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया नानू। पहाड़ों की देखना कैसे कटाई हो रही है, अब वो बात ही नहीं रहेगी पहाड़ों में, सब जगह काम चल रहा है इधर। प्रकृति का आनंद गाइस प्रकृति के बीच ही आकर लिया जा सकता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये व्यू अच्छे लग रहे होंगे, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दो जल्दी से गाइस। ये सामने सारा अल्मोड़ा है पूरा बसा हुआ है मस्त वाला। फाइनली गाइस इतना सफ़र करने के बाद बस अब 14 मिनट में हम पहुँचने वाले हैं, सिर्फ 14 मिनट, अब सिर्फ 6 मिनट रहे। व्यू देख रहे हो गाइस क्या मस्त है, पहाड़ है मस्ती होंगे। फाइनली गाइस हमारी गाड़ी ने लिया स्टॉप और हम लोग पहुंच गए हैं चित्तई गोलू देवता। ये है यहाँ की पार्किंग, चलते हैं दर्शन करते हैं। देखो समुद्र तल से ऊंचाई है 1560 मीटर और अब हम ऐसे जाएंगे पैदल पार्किंग में कार लगा के, वहाँ से लेते हैं प्रसाद और प्रसाद ले लिया है, घंटी भी ले ली है मैंने अपनी और चलते हैं। आओ घंटी बजा, रहने रहने। तो फाइनली गाइस आ गए हम लोग भैया, देखो चारों तरफ घंटियाँ बजा रही है, बंदर इधर बंदर भी बहुत होते हैं। अरे यार डर से लग रहा। तो गाइस वैसे एंट्री है इधर से, ये देखो पूरी घंटियाँ घंटियाँ बन रही हैं और यहाँ पे सबकी क्या है, यहाँ पे ये सब क्या है, यहाँ सब अपनी अर्जी लगा रखी है। यहाँ सब अपनी परेशानियाँ लिखते हैं अपनी, फिर फ्रेंड्स यहाँ पे ना सब अपनी परेशानियाँ लिख के जाते हैं। यहाँ देख रहे हो कितने सारे पर्चे टंगे हुए हैं, सब ने अपने अपने दुख दर्द यहाँ पे लिख के छोड़ दिया है। मंदिर धूप लग रही है, मांग लो अपनी विश, मांग रही हूँ मेरी विश पूरी करिए बता भगवान जी ना, मैं वो बाद में बताऊंगी। कर लो भाई, धूप लगाओ, मेरे को धोख लगा लो, सारी डिश मांग लो जो।
मनोकामना पूर्ण हुई है तो मैं यहाँ दोबारा आई हूँ और ये दोबारा भी की है मैंने अपनी इसमें, तो इस चिट्ठी को ही मैं यहाँ छोड़ के जाऊँगी और मेरे न्याय के देवता आएंगे, इसको देखेंगे पढ़ेंगे तो वो मुझे इसकी भी विश पूरी करेंगे। यहाँ राध्या भी लिख रही है भाई कुछ आज चिट्ठी लगा के जाएगी है हरजी बाबा के दरबार में। आइए देखो घंटी, क्यूट सी घंटी बांध के, जो मैं पिछली बार बांध के गई थी ना यहाँ, मैं उसको खोल के फिर जाऊँगी और ये फिर दोबारा बांधूंगी, फिर दोबारा आऊंगी। अरे बेटा यहाँ देखो कितना बड़ा घंटा, तो फाइनली गाइस हमने कर लिया दर्शन, बहुत दूर है भाई, पूरा दिल्ली से हमें 10 घंटे लग गए हमें यहाँ तक पहुँचने में, कंटिन्यू चले हम 4 बजे चले थे और 2:15 करीब हम यहाँ पहुँचे और अब चलते हैं वापस, दर्शन हो गए अच्छे। गाइस यहाँ ना सचमुच का मनोकामना पूर्ण होती है, मुझे विश्वास हो गया क्योंकि मेरी हुई है, जो मेरी मनोकामना थी पूर्ण हुई है। तो धागा बांधते हैं, कुछ चुन्नी बांधते हैं, कुछ घंटी बांधते हैं, मैं तो धागा या चुन्नी बांध गई थी मुझे वो भी याद नहीं, बट हाँ मुझे ये याद हुआ कि मेरी विश पूरी हो गई, तो मैं उसी को खोलने आई हूँ। न्याय के देवता के लाते हैं। हाँ न्याय के देवता है कहते हैं, आज भी रात में आते हैं और लोगों की जो भी परेशानियाँ होती हैं उनको सुनते हैं और उनका न्याय करते हैं, तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। हो सके तो आप लोग भी आओ, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, पूरा जवाब दूंगी, कैसे आना है क्या करना है, मतलब जो भी आपका क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। तो बस गाइस अब चलते हैं वापस, चलो यहाँ रुके हैं, ये भी छोटा सा मंदिर है तो यहाँ भी चलते दर्शन करते हैं, चले बाबू चलो जी। आओ आओ अंदर, ये जो आगे मंदिर है उनसे क्या कनेक्शन है, ये उनके मामा जी। लास्ट टाइम आए थे बंद पड़ा था, गोल्ड देवता जी के मामा जी हैं ये। तो बस अब चलते हैं फिर से अंदर, गाइस देखो क्या मस्त व्यू है ना इधर। अरे पापा एक आधा क्लिक करते यार, यहाँ पे अच्छा लग रहा से निकलते ही इन दोनों की मस्त आइसक्रीम पार्टी हो गई। आइसक्रीम पार्टी तो कर रहे लेकिन गिरा रहे, पापा की गाड़ी गंदी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सुकून मिल गया गाइस, सुकून मजा आ गया, अब ऐसा लग रहा है कितने बड़ा क्या कर दिया हमने, देखो मतलब व्यू देखो क्या मस्त व्यू है। लोगों ने आज देखा कि हम लोग आए दिल्ली से गोलू टेंपल नहीं बोलते गाइस, मैं गोलू टेंपल कर रही थी बट बोलते हैं चित्तई गोलू देवता, ये मंदिर है इसका असली नाम यही है और इसी नाम से अगर कोई आएगा ना तो चित्तई गोलू देवता करके सर्च मारना ताकि आपको सही सही रास्ता दिखाए, नहीं तो यहाँ नैनीताल से शुरू हो जाते जगह जगह दिखाना, तो आपको जो मैं बोल रही हूँ चित्तई गोलू देवता ये डालना। और आपको कैसा लगा मंदिर, मंदिर बहुत अच्छा है गाइस, सभी की मनोकामना आई थिंक पूरी होती होगी, मेरी तो हुई है। तो फ्रेंड्स इस व्लॉग को यहीं करती हूँ खत्म, आपको मैंने दिखाया आज गोलू देवता और उनके मामा जी का मंदिर, दोनों मतलब साथ में वो दो साथ में ही दर्शन करते हैं उनके। तो आई होप आपने हमारा आज का व्लॉग इंजॉय किया होगा, अगर अच्छा लगा हो तो, अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।